यार आप दोनों से ना मेरा एक सवाल है, जो भी किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा हो या ऐसा कोई सीन हुआ आपके साथ, कहानी सुनो यार। आप मुझे बहुत दुखी लग रहे हो यार, पहले आप आंसू साफ कर लो अपने। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। आज तक सबको कहा गया मैं प्यार करता हूँ, उसने मुझे मना किया ना। अच्छा। मैंने उसे कहा भाई ये 50 रुपए का लो, लोड सड़ गया 50 का, मैंने कहा ना कल साबुन लेके ना मुंह धो के आना। मोहब्बत मैंने की लेकिन वो दोगलापन करके किसी और के साथ अब एडजस्ट हो गई है। ओके, अपने दिल के तमाम दरवाजे खोल दो, प्लीज राबिया मुझे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। सर आपका? मेरा नाम हमजा अली नासिर है। अच्छा यार आप दोनों से ना मेरा एक सवाल है। जी जी। अपनी फर्स्ट क्रश और अपनी पहली मोहब्बत के बारे में आप थोड़ा सा बता दें हमें। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। पूछ लिया यार आपने, किसी ने दिल तोड़े आपका? दिल टूटने की चीज है, टूटना। एक्चुअली मैं जब फर्स्ट मिस्ट में आया ना तो हमारे ऑनलाइन चल रहे थे, तो मुझे ना नंबर तो मिल गया, तो मैंने मैसेज वगैरह पे बात की, 3 हफ्ते बात चलती, उसके बाद उसने मुझे भाई बोल दिया। ओए होए यार ये लड़कों का बड़ा दुख है। जब उसे कहा गया मैं प्यार करता हूँ, उसने मुझे मना किया ना। अच्छा। मैंने उसे कहा भाई ये 50 रुपए का लो, लोड सड़ गया 50 का, मैंने कहा ना कल साबुन लेके ना मुंह धो के आना। यार उसके लिए एक और शेर भी है। ओके, अपने दिल के तमाम दरवाजे खोल दो, प्लीज राबिया मुझे छोड़ दो। अच्छा यार आप दोनों से ना मेरा एक सवाल है, जो भी किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा हो या ऐसा कोई सीन हुआ आपके साथ, बड़े दिल टूटे हैं यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अपनी मोहब्बत कैसे हुई, कहाँ पे, अपनी फर्स्ट क्रश का नेम ही बता दो। फर्स्ट क्रश का नेम था खंसा। माशाल्लाह मोहल्लेदार थी यार, दो घर छोड़ के रहती थी, बचपन साथ गुजरा है। अच्छा। चढ़ती जवानी थी उस टाइम, लेकिन वो छोड़ गई, चढ़ती जवानी में छोड़ गई यार, ये गलत बात है। चढ़ती आए हुए यार आपके। अच्छा सर आप बता दें अपनी कोई फर्स्ट क्रश या पहली मोहब्बत के बारे में। पहली मोहब्बत के बारे में तो कुछ खास तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये था मेरी तरफ से, कुछ था खास था उसकी तरफ से तो नहीं था, वन साइडेड था। एहे रहा नहीं जाता। मतलब कि उनको दिया करते थे, बड़ा प्रोटोकॉल दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी, मैं कुछ और समझ रहा था। नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल दिया करते थे। मेरी कहानी सुनो यार। आप मुझे बहुत दुखी लग रहे हो यार, पहले आप आंसू साफ कर लो अपने। यार मैं बड़ा दुखी हूँ यार। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। आज तक सबको अपने ना दास्तान सुनाना चाहता हूँ दिल की, लेकिन ना कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सुनूंगा यार आज आपकी सारी दास्तान, मैं सुनूंगा, मुझे सुनाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे घर के साथ रहती थी वो, जब स्कूल जाती थी मैं उसके स्कूल पहुंच जाता था छुट्टी देखने। कितने वेले थे यार आप भी? वेल यार मोहब्बत के अंदर वेले ही होता है, इश्क ने निकम्मा कर दिया गाली, वरना आदमी हम भी थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो उधर से जाती थी उस टाइम, हम छत पे चढ़ के मैं उसका एक एक घंटा इंतजार करता था कि अब छुट्टी हो गई वो घर से। गजब की मोहब्बत थी यार, गजब की मोहब्बत थी। रोग लगा दिए यार। वो वाली मोहब्बत। अच्छा सपोज करो अगर वो ये वीडियो देख रही है तो आप उसके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? भी है, अगर वापस आ सकती हो तो आ जाओ, वरना फिर आपके लिए। भाई कह रहे हैं यार अगर आपने वापस आने तो आ जाओ, वरना आपके लिए। आप कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मेरा सवाल है कि आपकी कोई बचपन की मोहब्बत या आपकी पहली मोहब्बत जिससे आपने मोहब्बत की है, कोई ऐसी स्टोरी हमें सुना दें। सर मोहब्बत तो आज तक बहुत सारी की है, लेकिन एक थी मेरी मोहब्बत, मेरी जो समझ लेके मेरी हमसाई थी वो, ठीक है, वो बचपन से हम इकट्ठे खेलते रहे, उसको काफी खिलाया पिलाया। अच्छा, खिलाया पिलाया? खिलाया पिलाया उसको काफी, लेकिन ये गर्ल्स जो होते हैं वो होती बेवफा सी होती है, दोगलापन होता है। गर्ल्स जो होते हैं वो होती बेवफा सी होती है, दोगलापन होता है। ये हर लड़के का दुख है यार, गर्ल्स बेवफा हैं, गर्ल्स बेवफा हैं। लेकिन ये कहें कि मोहब्बत मैंने की लेकिन वो दोगलापन करके किसी और के साथ अब एडजस्ट हो गई है, तो क्या रोना धोना बताएं आपको। सही, मैं तो दुख होता है बताते हुए पुरानी बातें, बेतहाशा दुख होता है।
उसके बाद भी बहुत सारी चली गई, लेकिन अब आदत सी बन गई आने जाने की, आने जाने की। अब दिल को सुकून आ गया, टूटने की चीज है, टूटने के लिए ये टूटने के लिए बस मैंने सोच लिया कि जो चीज है उसे खाओ पियो और हजम करो, बस खाओ पियो और हजम करो। आप अपनी पहली मोहब्बत और अपनी पहली क्रश के बारे में जरा बताएं। मोहब्बतें तो कई आई हैं, स्कूल लाइफ में भी थी, कॉलेज लाइफ में भी थी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लाइफ की मोहब्बत होती है उसको तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे एक जूनियर है, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया। सही। तो जब दिल आया तो फिर मैंने उसका नंबर वगैरह लिया, उससे मैंने बात करना स्टार्ट की। तो मैं उससे बात करता रहा, 10-15 दिन बात हुई, ये वो मेरे साथ भी घूमती फिरती थी, लेकिन उसको जब मैंने दूसरे लड़कों के साथ देखा मेरा दिल टूट गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। फिर मैंने उसे छोड़ा, उसकी एक और दोस्त मुझे पसंद आ गई। फिर मैं कहीं भी आ जाते हैं, हाँ, दिल है कहीं भी। फिर मैंने उसको सेट किया, उसके साथ घूमता फिरता हूँ आजकल, सही चल रहा है निजाम। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं, सुके, 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 सुके। लेकिन ये है, ये मुझे पता है, लेकिन उसने भी छोड़ जाना, जो यूनिवर्सिटी लाइफ की मोहब्बत है ना यार, वो कभी पक्की नहीं रहती, परमानेंट नहीं होती, वो टाइम पास होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लड़कियाँ दिल क्यों तोड़ती है, मुझे इस चीज के बारे में बता दो। लड़कियाँ मशीन गन लेक्चर में। अच्छा यार, भाई का कहना लड़कियाँ मशीन गन है, आगे आप बता दें। मेरा दिल किसने तोड़ा? मेरा दिल कईयों ने तोड़ा इतनी बार तोड़ा। दिल कैसे तोड़ सकती हैं लड़कियां? अनबिलीवेबल यार, ये कैसे हो सकता है? लड़के बेवफा नहीं हो सकते, सिर्फ लड़कियां बेवफा होती हैं। ओके, लड़कियां बेवफा होती हैं। बाद में मैंने उसको चॉकलेट दी, फ्लावर दिया, 2 दिन बाद मैंने उसको किसी और लड़के के साथ बैठे देखा। बैठे नहीं देखा, और कुछ करते हुए भी देखा। यही दुख हर लड़के का, यही दुख एंड पे यही स्टोरी आती है कि वो लड़की किसी और के साथ थी, लड़का बेचारा रोता रहा उसके पीछे अपनी सारी दुनिया। यार सिर्फ देखने से दुख नहीं होता, इसने जब देखा ना अपनी क्रश को उसके साथ, उसने हाथ पकड़े हुए थे, वो मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। क्या बोला तूने? देखना भी तो उनको दूर से देखा करना, सेवा इश्क नहीं उसमें तो रुसवा करना। आहा, क्या बात है। ठीक है यार, जरा शेयर चेक करो यार, दिल दुख है, दिल से निकलते हैं ये शेर, दुखी दास्तान है जो आपने सुनी है यार।